नमस्कार दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 तारीख को फिर से नया वीडियो संदेश जारी किया है और उसमें बताया गया है कि 5 तारीख को फिर से एक नया शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये दिए जलाने का इसके पीछे रहस्य क्या है और ये शक्ति प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कर देना वीडियो को एक लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना के संकट को बचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित किया है और उन्होंने कोरोना से जंग से लड़ रहे सभी देशवासियों का हौसला अफजाई के लिए देश को जगमग करने की अपील की है। और ऐसा कहा है कि देश के सभी लोग 5 अप्रैल की रात को 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके दरवाजे या बालकनी में मोम बत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। और साथ ही कहा है कि लॉकडाउन का समय, करोड़ों लोग घरों में, कुछ लोग सोच रहे हैं कि लड़ाई को हम कैसे अकेले लड़ पाएंगे, ऐसे दिन कैसे कटेंगे। तो लॉकडाउन का फ्रेंड्स समय तो जरूर है, बट कोई भी इंसान यहाँ पे अकेला नहीं है। 130 करोड़ की सामूहिक शक्ति का हमको प्रदर्शन करना है। साथ ही कहा है कि लॉकडाउन का आज 9वां दिन है और देश के शासन प्रशासन और जनता जनार्दन की पूरी स्थिति को अच्छे ढंग से संभाला है। और 22 मार्च के कर्फ्यू के दौरान भी देश के अंदर कोरोना वायरस का हौसला बढ़ाया है। इसी चुनौतीपूर्ण समय को देश को सामूहिक शक्ति का एहसास करवाना है और इसी कारण हम देश के अंदर कोरोना को हरा सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि जो कोरोना के संकट का अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है उसे समाप्त करके हम उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इसी अंधकार में कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और लॉकडाउन की वजह से गरीबों की जो निराशा है वो आशा में बदलना होगा। और साथ ही ज्योतिषियों के अनुसार ये जो दिया जलाने का रहस्य है इसको हम आगे वीडियो में बता रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे दीपक जलाने का मतलब होता है अपने जीवन में अंधकार हटाकर प्रकाश फैलाना। ऐसा करने से अग्निदेव प्रसन्न होते और दीपक जलाने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर का वातावरण भी संतुलित बना रहता है। आखिरकार मोदी जी ने 5 अप्रैल को क्यों चुना? क्योंकि इसके पीछे ज्योतिष विद्या ये कहती है कि प्रदोष वर्ष और वामन द्वादशी है और यह तिथि शाम को 7:24 पर रहेगी और इसी टाइम भगवान वामन की पूजा आराधना की जाती है। तो माना जाता है कि इस व्रत को रखने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। और कोरोना से बचने के लिए एक ही रामबाण है, घर पे रहिए, घर पे रहिए।